Hey guys, what's up? Tarun Bedi this side. Welcome back to another part of Jaipur Strip. और आज हम लोग आए हैं मौज महल, काफी फेमस जगह है यहाँ की, तो बिना किसी देरी के लेट्स गो इन। यस सर, भाई इतना सारा कुछ समझने के बाद टिकट फाइनली हमने ले ली। सो गाइस, ये है टिकट प्राइस 500 पर पर्सन और 9 एक्टिविटीज इसमें आपको मिलेंगी, जैसे कि मैम ने भी एक्सप्लेन करा। एंड अभी हम ले रहे हैं एंट्री, ऊपर जा रहे हैं हम आ चुके हैं मौज महल। मौज महल यहाँ करेंगे मौज, बहुत सारी हो जाएगी डेफिनेटली। ओके नाइस, नंगे पैर ही चलो स्टूडियो। मैं बोलने वाला था नंगे पैर नहीं जा सकते। क्या हुआ, ये पैरों में पहन के फिर ऊपर से चप्पल पहन रही थी, जबकि उन्होंने समझाया भी था कि अपने शूज के नीचे पहनो। ओह माय गॉड ब्रो, वुमेन मिरर में ऐसे कांच की बुलबुलैया, आगे हाथ करके जाना है, बाहर निकलने का रास्ता आगे हाथ करके जाना, वरना ठुकते जाओगे। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी जगह मिरर में ऐसे लगा हुआ है बस। ये तो भाई ऐसे ही पार कर दे ना, ये रहा एग्जिट। नो ब्रो, दिस एंड नो एग्जिट। देखा, एक सेकंड में एग्जिट हो गए। स्केरी हाउस जा रहे हैं, लेट्स गो भाई। मिरर मेज कंप्लीट कर लिया है, कुछ ज्यादा खास नहीं था, दो दो जगह मिरर लगे थे। ओ लो भाई, भूतों का देखो, मेरे को पहले जान दे भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, क्या स्केरी तो कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है कि 500 रुपए में हमारा 20 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे। 20 मिनट में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि वर्थ इट है या नहीं। गुड, वन वन फोटो। Yay, let's go away. ये हॉरर है भाई, यहाँ पे ये यहाँ का हॉरर है। क्या है? हाँ भाई क्या है, क्या है? भाई मैं सोचा कुछ इन लोगों को डरा देते हैं, है ना, एकदम से। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, एकदम से इन लोगों के पीछे जाता हूँ और इन लोगों को डरा देता हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे भाई को तो डर लगता नहीं है भाई, अपन है हनुमान जी के चेले, अपने को डर नहीं लगता भाई। मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को डराते हैं थोड़ा सा। Yeah bro, what the fuck bro? फक हो गया गाइस, प्लान फक हो गया भाई। क्या है इस बोल बोल यार में, ओ ओ आई थिंक इट्स डेंजरस, आई लव यू ब्रदर, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एज ऑफ नाउ। अब यहां पे शायद कुछ अच्छा हो। सो ये है गाइस यहां का क्या, इंफिनिटी क्या, इंफिनिटी क्या है ये गाइस, ये है यहाँ का इंफिनिटी रूम। ओके इट्स अ पिक्चर टाइम, लेट्स गो इंफिनिटी रूम। बहुत छोटा है, यहाँ से स्टार्ट होके बस वहाँ पे खत्म भाई, दो कदम मेरे लिए, दो कदम। चलो भाई इंफिनिटी रूम भी अपना हो गया। ये कुछ बाहर का ऐसा सेटअप भैया, इंफिनिटी रूम भी अपना हो गया। आप किधर? ये रेडियम जंगल है, फिर इसके बाद आपको ऊपर जाना है। ठीक है चलो चलो चलो। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं बैक्स म्यूजियम की तरफ, जहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज की बैक्सेस हैं, स्टैचूज। सब लोग बैठ जाइए आप लोग, ये बात है यार, पपेट शो तो होटल में भी देखा था हमने परसों, आप लोगों को व्लॉग में भी दिखाया था मैंने, बट मैंने सोचा चलो अब टिकट लिया तो देख लेते, बट ये लोग नहीं मान रहे। बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ के गार्ड में चलो, चलो और अमिताभ सर भी आने चाहिए उस साइड से लोग। कौन बनेगा करोड़पति गाइस? ये हमारे हमारी जो कंट्री के एक टाइम पे मिसाइल बोले जाते थे, एपीजे अब्दुल कलाम।
वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया ये थे. ओ माई गॉड वी गॉट मेसी. मेसी गाइज मेरे साथ हैं आज लियोनेल मेसी. बट आप सबको पता है कि रोनाल्डो इज बेटर. बहुत सारे फैंस को हर्ट कर दिया शायद मैंने ये स्टेटमेंट देके मेसी के. बट भाई जो है वो है टॉम क्रूज. गाइज बताओ मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ या फिर टॉम क्रूज बताओ. ऑब्वियसली मैं. ओ माई गॉड मिस्टर बीन. सो यहाँ पे है मिस्टर बीन और मिस्टर बीन की गाड़ी भी खड़ी है. यार एक चीज गाइस यहाँ पे मिसिंग है बताओ क्या. मैं आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ. मिस्टर बीन की प्रॉपर पिक्चर देखो और मेरे को बताओ क्या मिसिंग है यहाँ पे. मैं बताऊँ मिस्टर बीन का टेडी बेयर वो यहाँ नहीं है. ओ माय गॉड बॉय ग्रेट खली भी है यहाँ पे. खली की हाइट कुछ ज्यादा नहीं कर दी. गाइज ग्रेट खली की रिबॉन्डिंग करा के यहाँ पे खड़ा किया गया है एंड हाइट मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी कर दी है. और इंडियन ग्रेट खली नहीं मोर लाइक ग्रेट खली फ्रॉम अमेरिका. गाइज सचिन तेंदुलकर बल्ले की ग्रिप निकाल के बैट पूरा. हाँ सचिन तेंदुलकर. सो अब हम लोग देखेंगे मूवी जो कि मूवी 7 to 10 minutes के लिए बैट का ग्रिप निकाल के ना अभी स्टार्ट नहीं हुई स्टार्ट करेंगे जब सब लोग आ जाएंगे. एंड ऐसा सा कुछ यहाँ पे सेटअप है यार. यहाँ की चेयर्स देख के मेरा मन पता है क्या कर रहा है कि एक आधी घर उठा के ले जाऊँ क्योंकि गेमिंग चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पे. चेक करो जो मेरे को चाहिए भी. मैं बहुत सून एक गेमिंग चेयर भी अपने लिए लेने वाला हूँ तो क्यों ना यहीं से उठा के ले जाऊँ. एंड हमें दिए गए हैं ग्लासेस. नीचे बैठूँगा भाई. गाइस उन्होंने साफ बोला पकड़ के बैठना. अब क्या पकड़ के बैठना और किसका वो नहीं बताया. गाइस मूवी हम लोग देख आए हैं एंड काफ़ी अच्छी थी. ठीक थी. मैं ऐसे दिल्ली में गेमिंग जोन में भी गया हुआ हूँ पापा के साथ. वहाँ पे भी वीआर में हमने देखी थी ऐसी एक रोलर कोस्टर मूवी तो काफ़ी अच्छी थी. बट 7 to 10 minutes की नहीं थी 4 to 5 minutes की थी. बट अगेन गाइस फॉर एंजॉयमेंट इट वॉज गुड. तो सही है.